राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस की राजनीतिक पिच पर उनके साथ खेले जा रहे खेल से खासे धर्म संकट में हैं। 6 वर्ष तक संगठन की बागडोर संभालने और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी कराने के बाद भी मौजूदा दौर में वह हाशिए पर नजर आ रहे हैं। पायलट ने डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद सरकार का मुखिया बनने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अशोक गहलोत की गुगली के चलते कांग्रेस के भीतर हित विकेट हो गई। जैसे तैसे राहुल गांधी ने गहलोत पायलट को एक बाइक पर साथ बैठाकर एकता का संदेश दिया, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहकर हलचल मचा दी कि वह जादूगर हैं और उनकी जादूगरी राजस्थान में यूं ही चलती रहेगी। संदेश साफ है कि वह केंद्र की राजनीति का हिस्सा बनना नहीं चाहते। यह अलग बात है, जब भी सोनिया राहुल गांधी पर संकट आता है दिल्ली पहुंचने वालों में वे ही सबसे पहले होते हैं। कांग्रेस में अपनी अनिश्चित भूमि को देखकर धर्म संकट में फंसे सचिन पायलट ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन धर्म संकट में थे कि वे अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध कैसे करें। ऐसे में भगवान कृष्ण उनके सारथी बनकर आए और अर्जुन को धर्म संकट से निकाला। पायलट ने भी कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में मनोयोग से अपना शीश नवाया और श्री कृष्ण से सारथी बनकर धर्म संकट से निकालने की प्रार्थना की। पायलट के सामने ये धर्म संकट इसलिए भी बड़ा हो गया है कि कभी कांग्रेस में उनके साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री के तौर पर बड़ी भूमिका में हैं। उनके एक और साथी जितिन प्रसाद योगी सरकार में प्रभावशाली मंत्री हैं। ऐसे में उनके सामने दोहरा संकट है कि वे पार्टी को गुड बाय कर दें या पार्टी के भीतर ही इतनी ताकत बढ़ा लें कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए। इस धर्म संकट से उबरने के लिए जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की शरणागत होने से राजनीतिक हलकों में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि राजस्थान की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में, बहुत कुछ नया होने वाला है। कई सर्वे में अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस की कमजोर स्थिति का आकलन किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आला कमान कानूनी व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति से जूझ रहे राजस्थान में क्या फैसले लेती है, या पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ कोई नई रणनीति का खुलासा करते हैं। जानकारों का कहना है कि गोविंद के दरबार में हाजिरी लगी है तो पायलट के राजनीतिक जीवन में कुछ तो नया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज़।